हेलो एवरीवन, दिस इज शाह लोदी और आज मैं आप लोगों को कार्बोरेटर के मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग की बताऊंगा कि वो कैसे की जाती है। और मेनली वैसे ये सब कुछ ये सारा हर कार्बोरेटर पे अप्लाई होता है, लेकिन मैं आज स्पेसिफिकली आपको YVR और CV कार्बोरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि मिक्सचर स्क्रू सेटिंग कैसे की जाती है। बिफोर गोइंग फर्दर, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू इट, और अपने फेलो राइडर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बहुत कुछ है जो कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। कार्बोरेटर के मिक्सचर स्क्रू सेटिंग करने से पहले मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में से कुछ याद करा दूं, वो ये है कि जो मिक्सचर स्क्रू सेटिंग है वो आइडल एयर स्क्रू मिक्सचर भी कहलाता है। आइडल मतलब खड़े खड़े जो आप मिक्सचर स्क्रू सेट करते हैं और खड़े खड़े जो फ्यूल मैनिपुलेट करते हैं आप बाइक का, ये वो है। अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर मैं मिक्सचर स्क्रू सेटिंग करके इसकी टॉप स्पीड की मिसिंग ख़त्म कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आइडल एयर मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग शुरू के 10-15% के एक्सेलेटर के बाद ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पायलट जेट शुरू होता है, 25% तक पायलट जेट रहता है, और 25% के बाद नीडल पे काम स्टार्ट हो जाता है, और 75% एक्सेलेटर के बाद हम मेन जेट के ऊपर शिफ्ट कर चुके होते हैं सर्किट। तो आप अपने जो लोप एंड पावर है वो तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन टॉप एंड पावर आपको मेन जेट से ही ठीक करनी है। तो आपने कभी भी इसका मिक्सचर की सेटिंग से आप कभी टॉप स्पीड नहीं ठीक कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये आपका मिक्सचर ख़राब है तो आपके इसका सिम्टम ये है कि आपके खड़े खड़े बाइक जो है वो रफ आइडल होगा, गड़ 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 बंद करने की कोशिश करेगी। अगर इसके अंदर आपकी ख़राब होगा, आइडल एयर मिक्सचर ख़राब है, तो जब आप बिल्कुल खड़े खड़े बाइक को चढ़ाने की कोशिश करेंगे किसी चढ़ाई के ऊपर, तो वो उसके ऊपर आपको तंग करेगी। तो इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये आपकी पेट्रोल की एवरेज में भी थोड़ा सा इसका ज़रूर होता है अमल दखल, क्योंकि आपकी मेनली जो बाइक चल रही होती है वो इन्हीं शुरू के सर्किट्स में चल रही होती है। जब आप इशारे पे खड़े हुए आपने एकदम एक्सेलरेट किया बाइक, तो पहले इसी सर्किट से वो पेट्रोल खींचता है, फिर वो नीडल जेट पे शिफ्ट होता है। तो इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इससे कभी भी आप अपनी ओवरऑल टॉप स्पीड ठीक नहीं कर सकते, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मिक्सचर सेटिंग करने से पहले आपने दो चीज़ें बिल्कुल इंश्योर करनी है। एक तो ये कि बाइक ट्यून्ड अप हो, उसके जो टैपेट वगैरह हैं वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे हो, और साथ में एयर फिल्टर इसका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और तीसरी चीज़, बोनस चीज़, बाइक के ऊपर आप एक 10 मिनट का चक्कर लगा के आएँ, इसको ऑपरेशनल टेम्परेचर के ऊपर लेके आएँ, तो इसके बाद मिक्सचर सेटिंग करें। अभी मैं इसके ऊपर एक चक्कर लेके आ चुका हूँ, बाइक गर्म है, वार्म्ड अप है, और इसका एयर फिल्टर भी क्लीन्ड है। तो आइए अब हम इसकी मिक्सचर सेटिंग करते हैं। मिक्सचर सेटिंग करने के लिए आपको तकरीबन इस तरह की एक बिट चाहिए, और आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मिक्सचर स्क्रू इसका लगा होता है। यहाँ पर अंदर मिक्सचर स्क्रू लगा होता है, इसको आपने टोटल टाइट कर देना है, और टोटल बाइक को स्टार्ट करने से बाइक गर्म है इस वक्त, और आपने अपने हाथ बचाने हैं। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और टोटल टाइट कर दें, और टाइट करने के बाद आपने तकरीबन इसको एक टर्न बाहर निकाल लेना है। अच्छा, इसके ना मिक्सचर स्क्रू में एक प्रॉब्लम था कि ये बिल्कुल स्टक था, तो मैंने कार्बोरेटर को खोल के थोड़ा सा ऑयल इसको फ्री अप किया, ऑयल करके थोड़ा सा इसको फ्री अप किया, तो अब ये थोड़ा सा मूवेबल है। तो अब मैंने क्या किया, इसको पूरा टाइट करके इसको डेढ़ चूड़ी, मतलब अगर ये देखें इसके ये मार्क सामने है, तो मैं इसको जब खोलूँगा तो इसको पूरा टर्न करके इसका मार्क सामने आना चाहिए, तो ये एक टर्न है। इस तरह मैंने इसको डेढ़ टर्न बाहर किया, और अब यहाँ पर मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और इसकी आवाज़ सुनूँगा। अब मैं बाइक को वहाँ पे सेट करूँगा जहाँ पे इसका मैक्सिमम RPM मुझे इस आइडल स्पीड पे मिल रहा है। इसको मैं खोलूँगा पहले, वहाँ तक खोलूँगा जहाँ पे इसका मैक्सिमम RPM स्टेबल हो जाता है, और उससे तकरीबन उससे ज़्यादा RPM इसका बढ़ता नहीं है, वहाँ से मैं तकरीबन हाफ चूड़ी इसको वापस कर दूँगा।
अब इसका आरपीएम बढ़ना बंद हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको वापस करूँगा यहाँ से तकरीबन क्वार्टर या हाफ चौड़ी वहाँ तक, यहाँ पे यही आरपीएम स्टेबल रहता है पहला स्टेप। अब मैंने इसको हल्का सा एक्सीलेटर दे के देखना है एकदम से। हल्का सा लैग कर रहा है इसको, मैं थोड़ा सा और खोल के देखूँगा। बिल्कुल क्वार्टर चूड़ी, क्वार्टर मतलब आधे का आधा। थोड़ा ज़्यादा करना शुरू हो गया, अब मैं इसको बंद करूँगा हल्का सा। तकरीबन पौने दो चूड़ी टर्न्स पे ये वाली बाइक तकरीबन स्टेबल हो गई है। अब हम इसको बगैर इसके चेक करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इसको इसका जो आरपीएम है वो हम तकरीबन सेट कर देंगे 1100 पे। और आरपीएम सेट करने के लिए ये वाला है, ये आइडल आरपीएम है, इसको मैं लूज़ करूँगा। और जो रेटेड आरपीएम होता है ना उससे नीचे रखते हैं, मतलब अगर इसका सर्विस मैनुअल क्या था कि इसका 1100 से 1200 आरपीएम के दरमियान में होना चाहिए आरपीएम, तो उसको उस पर रखना है। अगर आप उसे डाउन करेंगे तो ऑयल प्रेशर ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा, ऑयल प्रेशर ड्रॉप हो गया तो आपका इंजन फारेगा। तो इस वजह से ये मतलब ये नए इंजन के साथ तो मसला नहीं हो सकता, लेकिन आपका इंजन चलने के बाद वीक होता जाता है। तो अगर आपने इसका 1000 आरपीएम या 1100 आरपीएम से नीचे रखा इसका आरपीएम, तो ऑयल प्रेशर वहाँ से ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपने वो हरकत नहीं करनी, जो रखा हुआ है आरपीएम उसको उतने पर रखना है, उसे ज़्यादा रखेंगे तो वो पेट्रोल ज़्यादा लेना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त ये 1100 आरपीएम मैंने उसको सेट कर दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो यूज़र हूँ इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, मैं फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं करता इतना, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने किसी और टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मैं अपने पास लिस्ट डाउन करता जाता हूँ सारे टॉपिक्स जो आपको जिनमें प्रॉब्लम होती है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है किसी अच्छे और टॉपिक पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।